हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आरटीडी एंड थर्मोकपल के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको आरटीडी एंड थर्मोकपल के बारे में पता नहीं तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आरटीडी कितने टाइप्स के होते हैं और थर्मोकपल कितने टाइप्स के होते हैं और ये कितना डिग्री टेम्परेचर पर काम करता है, इसका रेंज क्या है, आज मैं इसी वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं आपको आरटीडी के बारे में बता देता हूँ। और ये जो आप देख रहे हो अभी, एक आरटीडी सेंसर है और आरटीडी का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। जनरली आरटीडी कम्स विथ 3 to 4 wire और ये जो आरटीडी आप देख रहे हो ये एक 3 wire की आरटीडी है। और आरटीडी हमेशा क्लास में आता है एक्यूरेसी के हिसाब से, जैसे कि ए और बी। और फ्रेंड्स, इसका पैकिंग के ऊपर भी और लिखा होता है PT100 PT1000 की। आपको पता है ये PT100 PT1000 क्या है? PT100 मतलब प्लैटिनम 100। आपको 0 degree पर जब आप उसको मेजर करोगे आपको दिखाएगा 100 ohms। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसका रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे इनक्रीज करता जाएगा। अगर आपका आरटीडी PT100 है तो आपको 0 degree पर 100 ohm दिखाएगा, और आपका आरटीडी PT1000 है तो आपको 0 degree पर 1000 ohm दिखाएगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको थर्मोकपल के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये थर्मोकपल की सेंसर है। आप फिजिकली कैसे देख के पता कर सकते हो कि ये थर्मोकपल की सेंसर है? फ्रेंड्स, थर्मोकपल में जनरली 2 wires होता है और ये जो आप देख रहे हो ये 2 wires है और ये थर्मोकपल है। आप लॉजिकली कैसे इसको पता कर सकते हो कि ये थर्मोकपल है? फ्रेंड्स, अगर थर्मोकपल को टेम्परेचर में डाल के इसका आउटपुट में ये 2 wire में अगर आप मेजर करोगे तो इसमें मिलीवोल्ट शो करेगा, और आरटीडी में अगर आरटीडी को टेम्परेचर में डाल के इसका आउटपुट में मेजर करोगे तो ये आपको टेम्परेचर अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस शो करेगा। ये इसका मेन डिफरेंट है। और चलिए फ्रेंड्स, थर्मोकपल और आरटीडी कितने टाइप्स के होते हैं और टाइप्स के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर लिमिट कितना होता है, और ये आरटीडी और थर्मोकपल कहाँ यूज करते हैं और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, मैं सब आपको बता देता हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये थर्मोकपल है और ये थर्मोकपल का डेफिनेशन है। आप इसी तरह इसको देख के आप पता कर सकते हैं ये थर्मोकपल के मेन फंक्शन है और कितने टाइप्स के हैं। और ये इसका टाइप्स रहा, जैसे कि आप देख रहे हो टाइप J K T N E B R और S। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका टाइप के अकॉर्डिंग इसका एक्यूरेसी और इसका लिमिट, आप ऐसे पढ़ के इसको पता कर सकते हैं। और ये कैसे यूज करते हैं और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, आप वो वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं, मेरा चैनल पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको किस तरह का वीडियो पसंद है वो मुझे बताएं, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैंने बहुत सारा CTPT के ऊपर और इसके रिलेटेड वीडियो भी बहुत सारा अपलोड कर रखा हूँ, आप मेरा चैनल पर विजिट करके वो सब देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट है और भी बहुत सारा इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।